नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोद्र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारे इसी फार्म से संबंधित है। दोस्तों इसी फार्म से संबंधित बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो जिस भी फार्मर भाइयों को इसी फार्म से संबंधित या फिर पोल्ट्री फार्म को कम लागत में कैसे रन करें, कम लागत में कैसे पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस को हम ग्रो करें, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी हमारे चैनल पे जो है आपको बहुत बड़े तरीके से जो जानकारी आपको बिल्कुल बारीकी से मिलेगी। तो यह जो जितने भी वीडियो जो मैंने बनाए हैं, ये सारे वीडियो जो मेरे अनुभवी वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो है किसी थर्ड पार्टी से पूछा है उसके बाद में जो है मैं आपको जो है वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो इससे पहले जो मैं आप ये जैसे कि आज 15 मई है और मैं जो आज जो बर्ड का जो है 13वां दिन है और आप देख सकते हैं 13वें दिन में जो है जितना टेम्परेचर चाहिए जो उतना टेम्परेचर हमने करीब 26 डिग्री मैंने जो सेट कर रखा है, तो उसी के हिसाब से जो एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं और पूरे फार्म में बर्ड जो फैले हुए बैठे हुए आपको जो दिख रहे हैं आप ये देख सकते हैं। ओपन पोल्ट्री फार्म में कभी भी आपको इस प्रकार के सीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है क्योंकि गर्मी का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप रहता है और उसके कारण जो मुर्गियाँ जो है जहाँ पर धूप आती है उस क्षेत्र को छोड़कर और जहाँ पर थोड़ा सा उनको आरामदायक मौसम मिलता है वहाँ पर जाके बैठ जाती है। किंतु दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों ये कम लागत में बना हुआ पोल्ट्री फार्म देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके का परफॉर्म कर रहा है। एक भी बर्ड जो है गर्मी के कारण मुंह नहीं खोल रहा है, मतलब इस प्रकार से जो है फार्म पूरा फार्म ऑटोमेटिक है, फुल्ली एयरटाइट फार्म है और आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन कितनी बड़े तरीके से हवा खींच रहे हैं कि कर्टन को जो ऊपर की तरफ से अंदर नीचे झुकना पड़ रहा है। और यहां से भी हम देखते हैं कि ये देखिए ये जितने भी आपको कर्टन दिख रहे हैं ये कर्टन जो है अंदर की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि फैन का जो है हवा का खींचना बहुत बड़े तरीके से हो रहा है। अब ये हम कूलिंग पैड को अगर हम देखें तो देखिए कूलिंग पैड जो है पूरी तरह से गीला हो रहा है। दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग का परफॉर्मेंस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फार्म कितना पैक है और आपका कूलिंग पैड कितना गीला हो रहा है। ये इन दो तीन चीज़ों का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे इसी पोल्ट्री फार्म के परफॉर्मेंस में। अब चलिए दोस्तों, अब मैं एक जो महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूँ ये है, आपको दिख रही होगी यह है शार्प कंपनी की आधा एचपी की मोटर है और ये कौन सी मोटर है, पंडुबी मोटर है, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं कि यह आधा एचपी की मोटर है, ठीक है ना, और 50 हर्ट्ज पे काम करती है और 2880 इसकी आरपीएम है और 5 एम्पियर ये जो है मैक्सिमम करंट लेती है। मतलब कि अगर हम इसमें 16 एम्पियर की अगर एमसीबी लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा, 16 एम्पियर की एमसीबी काम करेगी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे इसमें जो है आप देख सकते हैं टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये कूलिंग पैड की टंकी है और ये जो भी पानी जो आता है वो इकट्ठा होकर जो तुरंत जो है कूलिंग पैड में की टंकी में आ जाता है। किंतु मैं यहाँ पर यह मोटर क्यों लगा रहा हूँ, एक तो यह है कि ये मोटर जो है 1 HP की है जो कि मुझे ये 12 कूलिंग पैड गीला करने के लिए 1 HP की मोटर की आवश्यकता नहीं है, तो इसके कारण मैं इसको निकाल रहा हूँ। दूसरा ये भी है कि एक मोटर में स्पेयर में रखना चाह रहा हूँ, तो ये जो मेरी 1 HP की मोटर है मैं इसको जो है स्पेयर में रखना चाहता हूँ। एक मतलब पूरा सेटअप लगा हुआ है, ये मोटर पाइप और केबल और स्टार्टर ये पूरा सेटअप जो है मैं लगा इसको जो है निकाल के बाहर रखना चाह रहा हूँ और मैं नया सेटअप इसमें लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि किसी कारणवश अगर मान लो मोटर अगर जलती है तो मेरे पास में एक स्पेयर में होना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं मोटर निकाल रहा हूँ। एक तो इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है और एनर्जी भी मेरी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण कारण ये है उसके साथ में कि जब मैं जनरेटर पर चालू करता हूँ जनरेटर के ऊपर सिंगल फेज का लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो मैं इस 1 HP के मोटर को निकाल दूंगा और आधा HP की मोटर लगा दूंगा, नई वाली है। और इन केस किसी कारणवश मोटर का अगर जलना होता है तो मुझे तुरंत रिप्लेस करने का जो है मेरे पास में ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों जब भी कोई पोल्ट्री फार्मर भाई अगर इसी फार्मिंग करता है तो इस प्रकार की जो है उनको सावधानी समय समय पर रखना चाहिए। हम मतलब इसी फार्मिंग की जान क्या है, हमारे जो आप देख सकते हैं वो एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड। कूलिंग पैड अगर प्रॉपर तरीके से गीला होगा तो आपका फार्म बहुत बड़े तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर आपका कूलिंग पैड गीला नहीं हुआ या फिर उसके ऊपर पानी आप नहीं डाल पाए या नहीं चला पाए तो आपका ओपन जो इसी पोल्ट्री फार्म है एक जस्ट अपोजिट काम करने लग जाएगा, वो एक ओपन पोल्ट्री फार्म की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो इस बात का मुझे भी विशेष ध्यान रखना है और एक हर एक फार्मर भाई को जो है ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने पे जो है कूलिंग पैड अगर सूखा रहेगा, सूखा चलेगा कूलिंग पैड, तो इसी पोल्ट्री फार्म और ओपन पोल्ट्री फार्म दोनों समान हो जाएंगे, बाहर का और अंदर का टेम्परेचर समान हो जाएगा। इसी पोल्ट्री फार्म में सिर्फ और सिर्फ कूलिंग पैड पे ऊपर पानी चलता है और उससे जो होके आने वाली जो हवा है वो ठंडी रहती है और इसी के कारण फार्म के अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होता है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप जो है आधा HP की मोटर को जो है मैं इसमें डाल रहा हूँ और जो 1 HP की मोटर है मैं इसको जो है बाहर निकाल दूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप जो है अगर मान लो
रनिंग फार्म है और लाइव फार्म है, आपको जो है ये काम करना है तो ये पूरी तैयारी के साथ में करें। ऐसा नहीं है कि आपने करके और आधा काम छोड़ दिया और कूलिंग पैड की मोटर जो दो घंटे बाद आके करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए मैं 1 HP की मोटर निकाल रहा हूँ क्योंकि फार्म में जो है पानी चल रहा है, तो आप जैसे 15 से 20 मिनट में ये पानी 15 मिनट के आसपास में सूख जाएगा, तो इससे पहले जो है मुझे इस मोटर को जो है मुझे व्यवस्थित तरीके से वापस इसमें लगा देना है और इसको चालू भी कर देना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।